हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ प्रमुख खबरें, जिनमें शामिल है एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही सरकार, नाराज शिक्षकों ने कराया सामूहिक मुंडन, अखिलेश प्रियंका का योगी सरकार पर निशाना, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रही शिक्षिका बर्खास्त, जिन बच्चों के माता पिता चले गए उनका जिम्मा उठाएगी सरकार। तो दोस्तों, इसमें सबसे मेन खबर है एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही सरकार। तो आइए देख लेते हैं कि क्या बदलाव करने जा रही है सरकार। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको खबरों के विस्तार की ओर। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संवर्ग द्वारा सामूहिक मुंडन संस्कार कराकर दिवंगत शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मचारियों व नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परमेश्वर सभी दिवंगत दिव्यात्माओं को सदगत प्रदान करे व उनके आत्मीयजनों को यह असहनीय दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करे। शिक्षक हितों के लिए तन मन धन से पूर्णतः समर्पित राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के समस्त ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को उनके समस्त शैक्षिक जगत को अपना परिवार मानने के उच्चतम भाव व समर्पण को सादर नमन वंदन। मित्रों, आज समस्त शैक्षिक जगत व समाज के विभिन्न क्षेत्रों को कोरोना महामारी ने बहुत क्षति पहुँचाई है। हमारे हजारों साथी कोरोना संक्रमण से असामयिक दुखद मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुख की इस घड़ी में भारतीय संस्कृति व आध्यात्मिक मूल्यों के समूह के रूप में दिवंगत शिक्षक शिक्षिकाओं के परिवारों के प्रति पारिवारिक समर्पण रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया मुंडन संस्कार निश्चित उन परिवारों के दुख की घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करेगा व दिवंगत शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मचारियों को यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का यह मुंडन संस्कार सैकड़ों शिक्षकों की पंचायत चुनाव के माध्यम से कोरोना संक्रमण से हुई दुखद मृत्यु को कागजी दावपेच में उलझाकर उनकी मृत्यु को नकारने का जघन्य अपराध करने वाले लोगों को सद्बुद्धि देने का कार्य भी करेगा। श्रद्धावनत जोगेंद्र पाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। दूसरा समाचार बलिया सा है दोस्तों। शैक्षिक प्रमाण पत्रों में कूट रचना कर वर्ष 2009 से नौकरी कर रहे शिक्षिका ममता कुमारी को बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण सिंह ने बुधवार को बर्खास्त कर दिया। वह प्राथमिक विद्यालय छुटकी बिसहर में तैनात थी। एसटीएफ लखनऊ की ओर से बीएसए को पत्र भेजकर शिक्षिका के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में कूट रचना की बात कही गई थी। एसटीएफ के पत्र का संज्ञान लेते हुए बीएसए ने ममता कुमारी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके क्रम में ममता ने कहा कि एसटीएफ ने गलत सत्यापन किया है, पुनः सत्यापन कराया जाए। इसके बाद बीएसए की ओर से निर्धारित सुनवाई के समय पर शिक्षिका ने अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की। एसटीएफ के पत्र से मिलान किए जाने पर पाया गया कि शिक्षिका के इंटरमीडिएट के अंक पत्र में त्रुटि थी, इसके बाद उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में केवल 3 शिक्षकों की कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़े पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले 1621 टीचरों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जारी लिस्ट को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा उपकरण और इलाज नहीं मिला है और अब मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की निष्ठुर भाजपा सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए झूठ बोल रही है। यादव ने बुधवार को ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की निष्ठुर भाजपा सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब ये झूठ बोल रही है कि चुनावी ड्यूटी में केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जबकि शिक्षक संघ का दिया आंकड़ा 1000 से अधिक है। भाजपा सरकार महा झूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। परिवार वालों का दुख ये हृदयहीन भाजपाई क्या जाने। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने राज्य में हाल में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अन्य विभागीय कर्मियों की मृत्यु का दावा करते हुए सभी के परिजन को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजे और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक और बड़ा फैसला लिया। यूपी में कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी यूपी सरकार उठाएगी। इस बारे में सीएम ने महिला बाल विकास विभाग को तत्काल विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यूपी की संक्रमण दर देश भर में सबसे कम। यूपी के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोरोना के कारण बच्चों के माता पिता दोनों की मौत हो गई है, जिससे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे में योगी सरकार का यह फैसला उन बच्चों के लिए राहत भरा साबित होगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सख्त कोरोना कर्फ्यू, लगातार ट्रेसिंग और टेस्टिंग के चलते कोरोना की पॉजिटिविटी दर देश में सबसे कम हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों में पिछले सप्ताह की कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर पर नजर डालें तो यूपी की स्थिति सबसे बेहतर है। 10 से 16 मई तक अन्य राज्यों में पॉजिटिविटी दर औसतन 25 से 30 फीसदी रही, वहीं उत्तर प्रदेश में यह महज 6.67% की करीब थी। इस तरह प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों में 56% की कमी आई है। मंगलवार को रिकवरी दर 90.6% हो गई, जबकि केस पॉजिटिविटी दर 3.12% रही। इस सप्ताह के शुरुआती दो दिनों में सोमवार को पॉजिटिविटी दर 3.60% और रविवार को 3.99% थी। नजर डालते हैं दोस्तों आज की विशेष खबर पर। पेंशन फंड से पूरी राशि निकालने की छूट देने पर हो रहा विचार। नई दिल्ली सेवानिवृत्ति व्यक्तियों को सरकार जल्द बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। इसके तहत पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण PFRDA पेंशन भोगियों को अपने पेंशन फंड में से अधिकतम 5 लाख रुपए तक निकालने की सुविधा दे सकता है। वर्तमान में यह अधिकतम 2 लाख रुपए है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के नेशनल पेंशन स्कीम NPS फंड में 5 लाख तक है तो वह पूरी रकम निकाल सकेगा। वर्तमान नियम यह है कि पेंशन फंड में से अधिकतम 60% राशि ही निकाली जा सकती है, जो 2 लाख से अधिक नहीं हो सकती। शेष 40% राशि NPS में ही रखनी पड़ती है, जिसे सरकार निवेश करती है और खाताधारक को पेंशन देती है। सूत्रों का कहना है कि बदलते वक्त में सरकार NPS धारकों को पारिवारिक जरूरतों को पूरी करने में मदद करना चाहती है। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि अगर NPS धारक को लगता है कि वह उस रकम को किसी और जगह लगाकर बेहतर रिटर्न हासिल कर सकता है तो यह फैसला उसी के ऊपर छोड़ दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक अगर पेंशन फंड में पूरे 5 लाख हैं तब भी उससे मिलने वाला मासिक पेंशन इतना कम होगा कि वह पेंशन भोगी की मासिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता। ऐसे में बेहतर यही है कि उसे पूरी रकम निकालने और ऐसी जगह निवेश करने की आज़ादी दे दी जाए जहां से उसे NPS के मुकाबले अच्छा रिटर्न मिल सकता है। PFRDA नई योजना में भी NPS फंड का एक हिस्सा अपने पास रखकर सरकारी निवेश उपकरणों में निवेश के माध्यम से 5.5% तक रिटर्न देने का पक्षधर है। इस वक्त महंगाई दर व पेंशन फंड से हासिल कमाई पर आयकर को जोड़ दें तो यह फंड नकारात्मक रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों यह रहा आज की जो है प्रमुख खबरें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।